हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चूज स्टडी एक्सरसाइज है हमारी 8.4। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। जैसे कि ये सारे जो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन सारे पैसे में हैं, हमें क्या कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको एक ख़ास बात बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा एक पैसा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100 रुपए के बराबर होता है। एक पैसा जो होता है 1/100 रुपए के बराबर होता है। इसी का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं ए वाले पे। इसमें लिखा है 5 पैसे। ठीक है, अब 5 पैसे लिखा है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारे 5 पैसे दिए हैं, ठीक है, इनको इसमें हम 5 पैसे को किससे गुणा कर देंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो गया, 5/100 हो गया। अब हमको ये दशमलव में चेंज कर देना है। ठीक है, तो दशमलव में चेंज कैसे होगा, ये हमें हटाना पड़ेगा ये 2 जीरो। जब ये 2 जीरो हटेंगे तब दशमलव अंक जो है हमारा बाईं तरफ 2 अंक खिसक के जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, 2 अंक पहले खिसकेगा दशमलव। इसका मतलब एक तो अंक हमारा 5 हो गया, अब दूसरा हमारा ऊपर एक ही अंक था तो दूसरा अंक हमें चाहिए होगा। दूसरा अंक के लिए हम 0 अपनी मर्जी से उतार देते हैं। ठीक है, तो 2 अंक यहाँ पे हर संख्या के बाद मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा 5 लिखा था, 5/100 था। ठीक है, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो दशमलव मान लो हमारा यहाँ पे था। ठीक, मान लो क्या, दशमलव हमारा हर संख्या के बाद में था, ये 5 के बाद में दशमलव था। तो ये 2 जीरो जब हटेंगे तो क्या होगा, दशमलव 2 अंक पहले खिसकेगा। हमारे पास तो एक ही अंक था तो 2 अंक बनाने के लिए 1 जीरो हमने अपनी मर्जी से लिख दिया। ठीक है, तो ये 0 हम लिख सकते हैं, सिर्फ 0 ही लिख सकते हैं, कोई अंक नहीं लिख सकते हैं। तो 2 अंक हमारा दशमलव खिसक गया। तो ये 0.05 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो है 75 पैसे। ठीक है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, 75 की गुणा हम किससे कर देंगे, 1/100 से कर देंगे। ठीक है, 1/100 से कर देंगे, मतलब हमें 2 जीरो हटाने हैं। तो दशमलव, जैसे दशमलव हमारा 75 के बाद में है तो 2 अंक खिसकेगा बाईं तरफ, तो ये दशमलव हमारा 2 अंक कूदेगा। 2 अंक तो है ही हमारे पास, तो 2 अंक कूद के हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 75 था, 2 अंक कूदा मतलब हमारा 75 के पहले आ गया। और अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं लिखा होता है तो 0 लगा देते हैं, तो हमारा 0.75 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 20 पैसे। ठीक है, 20 पैसे सेम वही काम करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 20 की गुणा कर देंगे 1/100 से। ठीक है, तो 100 से गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही काम करेंगे। जैसे कि चाहे तो आप यहाँ पे काट भी सकते हो, कट रहा है हमारा, चाहे तो ना भी काटो, मैं नहीं काट रही हूँ फिलहाल। ठीक है, 20 पैसे जो हमारे दिए गए हैं, हम यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के पहले हमारा 0 हटाने के लिए 2 अंक पहले हमारा दशमलव पहुँच जाएगा। 2 अंक हैं हमारे पास। ठीक है, तो दशमलव 20 लिखा हुआ था, 20 के बाद दशमलव था, दशमलव हमारा 2 अंक कूद गया, मतलब यहाँ पे आ गया दशमलव, और दशमलव के पहले कोई अंक था नहीं तो 0 लगा दिया। तो हमारा क्या, कितने 20 पैसे, 0.20 पैसे, 2 जीरो रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 50 रुपये और 90 पैसे। ठीक है, इतना दिया गया है भाई, 50 रुपये जो हैं वो तो हमारे रुपए में है ही, तो 50 को 50 ही रहने दो, प्लस लगा दो, 90 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है, तो 90 लिख लेते हैं। और क्या करेंगे, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 को 50 ही लिखा रहने देते हैं। अभी हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो है नीचे तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा हमारा दशमलव। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0.90, दशमलव 2 अंक कूद गया तो हमारा 0.90 आ गया, इतने हमारे रुपए। ठीक है, अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 50.90 रुपए, ये हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, तो इतना रुपया कन्वर्ट हुआ। अब करेंगे ई वाला क्वेश्चन। ई वाला क्वेश्चन है 725 पैसे, ठीक है, तो 725 पैसे हैं, तो हम 725 की गुणा करेंगे 1/100 से, ठीक है, 1/100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, नीचे दो जीरो हैं तो दशमलव जो यहाँ पे था वो दो अंक खिसक के आ जाएगा आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 725 था, दो अंक खिसकेगा मतलब यहाँ से उठ के दो अंक कूद के यहाँ पे आ जाएगा, तो 7.25 रुपये जो हमारे बनेंगे जाके, ठीक है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सेंटीमीटर जो है हमको दिया गया है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर के बारे में भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है, हमारा जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। अब इसी का यूज़ करके सारे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है 15 सेंटीमीटर, इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या करें, 15 की गुणा हमें 1/100 से कर देनी है, जिसको हम कह सकते हैं 15/100। अब इसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो दो जीरो जब हटेंगे तो दशमलव दो अंक कूद के आगे आएगा, मतलब दो अंक हमारे हो गए तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 0.15 मीटर हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है। अब करते हैं अपना हम दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बी वाला 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर में हमको क्या दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर में हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे भाई, सेम वही काम करेंगे, 6 की गुणा 1/100 से कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 6/100, ठीक है। तो अब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए इन जीरो को हटाएंगे, तो जब दो जीरो हमारे हटेंगे तो दशमलव दो अंक कूद के आएगा, तो हमारे पास तो एक ही अंक था, दो अंक कैसे कूद के आएगा, तो एक जीरो हम अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, तो दो अंक हमारे हो गया। अब दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो हमने यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया गया है, ठीक है, 0.06। इस तरीके से ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया है हमने, 1/100 से गुणा की है, इस तरीके से 6 × 6/100 हमारा हो गया है। अब करते हैं अपना हम सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। तो इसको हम जब ध्यान से देखते हैं तो ये हम 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को 2 मीटर + 45 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ये तो मीटर में है ही, इसको क्या कन्वर्ट करें, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 मीटर लिख लेंगे प्लस में 45 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए 45 की गुणा हम किससे कर देंगे, 1/100 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ जाके, 2 मीटर + 45, इसको हम, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन अभी इसको सॉल्व करना बाकी है, ठीक है, ये हमारा 45/100 हो गया जाके, यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। तो अब 2 मीटर इसको हम दशमलव में चेंज कर लेंगे, दशमलव में चेंज हमारा कैसे होगा, जब हम दो जीरो हटाएंगे तो दो अंक आगे खिसकेगा हमारा क्या, दशमलव, तो 45 लिखा था, दो अंक आगे खिसक के हमारा दो, इन दो अंकों को कूद के दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था इसलिए जीरो लगा दिया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 2.45 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.45 मीटर, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन हो गए। अब है हमारा डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला क्वेश्चन जो था वो है हमारा 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन है, और 9 मीटर 7 सेंटीमीटर को कह सकते हैं 9 मीटर + 7 सेंटीमीटर, ये तो मीटर में ही है, इसको क्या कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम, 9 मीटर तो लिख ही लेंगे प्लस 7 सेंटीमीटर को हम 7 में 1/100 से कर देंगे गुणा, तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब 9 मीटर को 9 मीटर लिखा रहने देते हैं, ये हमारा 7/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 9 मीटर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, दो जीरो नीचे लगे हैं, दो जीरो जब हटाएंगे तो दो अंक खिसक के हमारा आगे आ जाएगा दशमलव,
मतलब साथ लिखा था, दो अंक इसका एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक है नहीं तो हम जीरो बढ़ा लेंगे, तो इस तरीके से दो अंक कूद के हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी इसलिए जीरो लगा दिया, ये हमारा मीटर में तो कन्वर्ट हो ही चुका था यहीं पर ही। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, जोड़ के 9.07 मीटर, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट होके आ चुका है डी वाला क्वेश्चन। अब करते हैं ई वाला क्वेश्चन जो है 419 सेंटीमीटर। तो अब हम 419 की गुणा करें देंगे 1/100 से, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एक की जब 419 से गुणा करते हैं 419 आ गया, बटे में 100 लिख दिया, ये हमारा मीटर हो गया। अब दो जीरो जब हटाएंगे तो हमारा दशमलव हर संख्या के बाद, जैसे 419 लिखा था हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, दो जीरो हटने पर दशमलव मतलब दो अंक कूद के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दो अंक कूदे यहाँ पे आ गए, तो 4.19 मीटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना हम तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में करिए, जैसे कि हमारे सारे मिलीमीटर में दिए गए हैं, एमएम मतलब मिलीमीटर में दिए गए हैं, तो हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, किसका यूज़ करके हमें करना है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है। तो भाई एक मिलीमीटर जो होता है वो हमारा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक मिलीमीटर जो होता है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसी का प्रयोग करके हम करेंगे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ए वाला हमारा क्वेश्चन है 5 mm, ठीक है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 की गुणा हमें 1/10 से करनी होगी। तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो गया है 5/10 सेंटीमीटर। अब हमें दशमलव में लिखना है तो क्या करेंगे, एक जीरो को हटाना होगा, जब एक जीरो हटेगा तो दशमलव हमारा एक अंक कूदेगा, तो एक जीरो है तो एक ही जीरो, एक ही अंक कूदेगा, तो 5 था, एक ही अंक कूद गया, दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया। अब दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए जीरो लगा दिया, तो 0.05 सेंटीमीटर आ गया। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन, ये है हमारा 60 mm, ठीक है। तो 60 की गुणा हम किसे कर देंगे, 1/10 से कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 की गुणा 100 हुई तो हमारा 60 आ गया, बटे में 10 हो गया, सेंटीमीटर था। तो भाई चाहे तो आप इस तरीके से काट दो, ठीक है, जीरो से जीरो काटोगे तो हमारा 6 आ जाएगा, पूरा 6 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आपको दशमलव में तो आंसर देना ही देना है, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। सी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 164 mm, ठीक है, 164 mm है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 164 की गुणा कर देंगे 1/10 से, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 164 की गुणा हमारी 100 हुई तो 164 आया, बटे में 10 था। अब इस 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जीरो हटेगा तो दशमलव एक अंक कूदेगा, तो जब एक अंक कूदेगा इसका मतलब 164 था ना हमारे पास, इस दशमलव इस जीरो, ये जो जीरो हटा तो दशमलव एक अंक कूद के हमारा यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब 16.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 9 cm और 8 mm, ठीक है, इस तरीके से दिया गया, 9 cm और 8 mm दिया गया है। तो इसमें जब हम देखते हैं हमारा 9 cm दिया गया है, तो 9 cm तो हमारा सेंटीमीटर में ही है, तो इसको हम 9 cm लिख देंगे, प्लस में 8 mm कर देंगे, तो मतलब हमें कन्वर्ट किसको करना है, इस 8 mm को करना है, ठीक है। तो चाहे तो इस साथ के साथ कर लो, जैसे बाकी के क्वेश्चन बताया, चाहे तो अलग से आप 8 mm को कन्वर्ट कर लो। जैसे 8 mm की गुणा हम किससे करेंगे, 1/10 से जब कर देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, 8/10 आ गया, ठीक है। अब इसको हमें दशमलव में चेंज करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो है तो दशमलव एक अंक कूदेगा, मतलब 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, चाहे तो आपके साथ के साथ सॉल्व करते रहो, चाहे तो आप इस 8 mm को अलग से लेके सॉल्व करो, जैसे 8 की गुणा 1/10 से कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 की गुणा 100 हुई, 8 हुआ, बटे में 10 था। अब इस 10 को हटाने के लिए हमें इसे दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो को हटाना पड़ेगा, एक जीरो था तो एक अंक हमारा दशमलव जो है यहाँ से कूद के आ गया, तो यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर हुआ। अब हम
क्या कर देंगे, 9 सेंटीमीटर था प्लस में 8 mm था, 8 mm की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0.8 cm लिख देंगे। अब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाला क्वेश्चन जो है वो है 93 mm है। तो क्या करेंगे हम, 93 लिखेंगे, इसकी गुणा हम 1/10 से कर देंगे और ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 93 की गुणा 1 से हुई तो हमारा 93 हो गया, बटे में 10 था, 10 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे। दशमलव में चेंज करने के लिए 0 को हटाना पड़ेगा। जब ये 0 हटेगा तो क्या होगा, दशमलव हमारा 93 लिखा हुआ था, दशमलव एक हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो दशमलव एक अंक कूदेगा, एक 0 था तो एक ही अंक कूदेगा, तो मतलब बीच में आ जाएगा 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ई वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जब ऐप ओपन होता है इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। ये हमारी यूपी बोर्ड की क्लासेस हैं। इसको आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे ना तो एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा। इस पर आप टच करोगे तो आपका सारी क्लासेस की बुक्स, मतलब सारी क्लासेस आ जाएंगी, जो भी क्लास में हो उस पर टच करो। जैसे आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास को टच करते ही आपकी सारी हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स हैं जो ओपन होकर आ जाएंगी। जैसे आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पे टच किया, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है इस तरीके से स्लाइड करके देख लेना, सारे चैप्टर दिए गए हैं। और जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, ये हमारे जो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं, साथ में लिखे भी रखा अच्छे से हैंड रिटन नोट्स। और जो अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर पे टच किए कर दीजिए तो आपका चैप्टर ओपन होकर आ जाएगा। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स पे टच करिए, तो इस तरीके से आपका सारा जो नोट्स मैं तैयार करती हूँ ये यहीं पे आपको मिल जाएगा। वीडियोस देखनी है तो वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाना, तो इतना काम जो है वो आप कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐप जो है डाउनलोड जरूर कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जोजस स्टडी सर्च करिएगा इसी चैनल के नाम से। तो चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है दशमलव का प्रयोग का किलोमीटर में चेंज करिए। अब किलोमीटर को चेंज करना है और मीटर में दिया गया है, तो अब हमें क्या रिलेशन बताना है, मीटर और किलोमीटर का हमें रिलेशन बताना है। तो भाई एक मीटर जो होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। हमेशा याद रखना 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है, या कह लो 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, 1000 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 8 की गुणा कर देंगे 1/1000 से। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब 1 × 8 से हुई तो हमारा 8 हुआ, बटे में 1000 था, 1 लिख दिया। अब हमें इसे दशमलव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 3 0 जो हैं वो हमें हटाने हैं। 3 0 हटेंगे तभी जब दशमलव हमारा 3 अंक कूद के आगे आएगा। तो हमारा पास तो 1 ही अंक था, तो दशमलव 3 अंक कैसे कूदेगा, हमारे पास 1 अंक था, दशमलव यहाँ पे था ना, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो ये 3 अंक कैसे कूदेगा, हम 3 अंक कूदा ही देते हैं। 1 अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, तीसरा अंक हो गया, 3 अंक हो गए। अब यहाँ पे हमने दशमलव लिख दिया, दशमलव के आगे हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, कोई अंक नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं, तो 3 अंक हो गए ना। जब हमारे पास अंक नहीं मिलते हैं तो अपनी मर्जी से उस अंक के पहले हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, 0.008 किलोमीटर। ठीक है, अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन है 88 मीटर, इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 88 की गुणा 1/1000 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब किलोमीटर में चेंज हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 × 88 से हुए तो 88/1000 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 अंक हैं, 3 0 हैं, दशमलव में चेंज करना है ना, 3 0 हैं, तो हम यहाँ पे 88 लिख देते हैं। अब हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, 3 0 हटाने के लिए हमें दशमलव को 3 अंक कूदाना पड़ेगा, पर हमारे पास 2 अंक है, हमें 1 अंक की और ज़रूरत है, तो इन्हीं संख्या के पहले 1 0 लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके पहले हम दशमलव को कूदा देते हैं, तो 3 अंक कूद जाएगा इस तरीके से। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा दो, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो चुका है। अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो है 8888 मीटर,
ठीक है, इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 8888 की गुणा कर देंगे हम किससे, 1/1000 से कर देंगे, तो गुणा होके हमारा एक किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। गुणा करने पे हमारा एक से गुणा करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 8888/1000। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे किस में, चेंज करेंगे दशमलव में चेंज करेंगे, तो 3 जीरो हटाने पड़ेंगे, 3 जीरो तभी हटेंगे, 10 दशमलव हमारा 3 अंक कूदेगा आगे की तरफ, बाएं की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास था 8888। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव था, 3 अंक कूदा तो हमारा यहाँ पे आ गया 8.888 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 70 किलोमीटर और 5 मीटर। ठीक है, तो 70 किलोमीटर तो किलोमीटर में है ही, इसको क्या चेंज करें, ये 5 मीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा। 5 मीटर को चेंज करने के लिए हमें 1/1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 70 किलोमीटर को लिखा रहने देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 5/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको हम दशमलव में इतने हिस्से को चेंज कर लेते हैं, तो 70 किलोमीटर लिखा रहने देते हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो दशमलव को 3 अंक कूदाना पड़ेगा, पर हमारे पास एक ही अंक था तो 2 अंक हम आगे और चढ़ा लेते हैं, तो हमारे 3 अंक कूद के हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाता है, 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर में इस तरीके से चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 70.005 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया था, 70 किलोमीटर लिख दिया था, इसको हमने क्या किया है, 3 जीरो हटाने के लिए दशमलव को 3 अंक कुदाया। कैसे कुदाया, हमारे पास तो एक ही अंक था तो हमने 2 जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा दिए, तो हमारे 3 अंक हो गए, दशमलव को यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 70.005 जो है वो हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, दशमलव का प्रयोग करके केजी में बदलिए। तो हमें यहाँ पे ग्राम दिया गया है, ग्राम को हमें किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है, तो हमें ग्राम और केजी का रिलेशन जो है वो बताना है। ठीक है, तो भाई हम आपको बता देते हैं, जो हमारा 1 ग्राम होता है वो 1/1000 किग्रा के बराबर होता है, मतलब 1 ग्राम जो होता है 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है, या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 1 केजी जो होता है, 1 केजी जो होता है 1000 किससे गुणा कर दो, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अगर ये याद है तो इसका मतलब ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे 1000 को हटाएंगे, ये ग्राम के साथ गुणा में है, बराबर किधर जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, तो यही चीज़ लिखी है, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं इसी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास है 2 ग्राम, 2 ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम में, तो 2 की गुणा 1/1000 से कर देंगे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 की गुणा 1 से हुई तो 1 हुआ। ठीक है, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 1000 था ही, ये हमारा किलो में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इन 0 को हटाना पड़ेगा, 0 तभी हटेंगे जब दशमलव 3 अंक कूदेगा, हमारे पास तो एक ही अंक था, तो 2 जीरो इसके पहले, इसी अंक के पहले अपनी मर्जी से लगा देंगे, जिससे हमारा 3 अंक कूद के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दिया। अब केजी को हम केजी, मतलब केजी में तो कन्वर्ट हो ही चुका था, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.002 किग्रा। ठीक है, अब करेंगे बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 100 ग्राम, इसको चेंज करना है, तो 100 की गुणा कर देंगे हम किससे, 1/1000 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास 2 जीरो ऊपर हैं, नीचे 2 जीरो हैं, तो भाई ऊपर से नीचे वाले 2 जीरो जो हैं काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 केजी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे दशमलव में, तो नीचे एक ही हमारा 0 है, तो इस 0 को हटाने के लिए दशमलव कन्वर्ट करना है ना, इस 0 को हटाने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, दशमलव को 1 अंक कूदाना पड़ेगा, 1 अंक हमारा यहाँ पे था, दशमलव 1 अंक कूद के यहाँ पे आ गया, अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दिया, तो हमारा 0.1 केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाला जो क्वेश्चन है वो है 3750।
ठीक है, 3750 ग्राम इसको चेंज करना है केजी में, तो हम 3750 की गुणा कर देंगे 1/1000 से, तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, इसकी एक से गुणा करेंगे या डायरेक्ट ही आप इसमें कन्वर्ट कर दो भाई, तीन ये जीरो इस जीरो से कट गया तो हमारा क्या आ गया 375 आ गया, बटे में हमारे दो जीरो थे, ठीक है। अब दो जीरो हमको हटाने हैं, दो जीरो तभी हमारे हटेंगे जब दशमलव यहाँ से कूद के दो अंक कूद के हमारा आए, मतलब दो अंक कूदेगा आगे की तरफ, तो 375 लिखा था, दशमलव दो अंक कूदा, जीरो जब हटाया दशमलव दो अंक कूदा तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 3.75 केजी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन, ठीक है। डी वाला जो है क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको यहाँ पे चाहे तो आप ज़ीरो भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। डी वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5 kg और 8 g, 5 kg में 5 kg तो हमारा केजी में है ही, इसको क्या कन्वर्ट करना है, और 8 g जो है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 8 g को, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 × 1/1000 से कर देनी होगी, तो हमारा किग्रा में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, किग्रा में ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 kg लिख देंगे और प्लस में 8 क्या हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा। अब हमें इसको चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 kg तो लिख ही लेते हैं, प्लस में इन तीन जीरो को हटाना है, दशमलव में चेंज करना है ना इस हिस्से को, तो तीन जीरो हटाने के लिए हमें दशमलव को 3 अंक कूदाना पड़ेगा, हमारे पास तो एक ही अंक था, तो 3 0 कूदाने के, मतलब 3 अंक कूदाने के लिए 2 0 अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से 3 अंक कूद जाएगा, और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5.008, ठीक है, kg, ये हमारा कन्वर्ट होके आ गया और ये हो गया हमारा आंसर। आपको बता दें ये हमारा 3 0 यहाँ पे, जैसे कि हमारा 1000 g होता है, 1 kg जो है 1000 g के बराबर होता है, तो जब आप किसको कन्वर्ट करते हो ना इस तरीके से, 2 अंक आते हैं तो एक अंक अपनी, मतलब एक अंक अपनी मर्जी से बढ़ा दो, वो जो अंक हम बढ़ा सकते हैं वो सिर्फ 0 ही होता है, तो इस तरीके से लिखोगे ना तो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। 750 g, कभी 75 g थोड़ा अजीब से लगता है, इसलिए इसको 0 बढ़ा दो, 3 अंकों में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ई जो है अब करते हैं, ई जो है वो है हमारा 26 kg और 50 g, ठीक है, तो 26 kg 26 kg है ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 जो हमारा 50 g है इसको कन्वर्ट करते हैं, 50 की गुणा हम 1/1000 से कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा 5/100 हो गया। अब दशमलव में इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, क्यों, 2 0 थे, 2 0 तभी बढ़ेंगे हटेंगे जब हम 2 अंक कूदेंगे, तो 2 अंक हमने कूद के लिए आए, तो इस तरीके से 0.05 ये कन्वर्ट हो गया। तो 26 लिख लेंगे, 26 kg प्लस ये हमने कन्वर्ट करके क्या किया था, 50 g को kg में कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने लिख दिया है 0.05 kg। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 26.0.05 kg में हमारा कन्वर्ट होकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 26.05, ठीक है, 0.05, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट होके आया है, और हमने कहा था 3 अंक होने चाहिए तो 1 0 अपनी मर्जी से बढ़ा दो, तो 26.050 kg ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा आंसर। तो क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो हमारी क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और हो सके तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में।